एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रियंका कुकिंग में। तो आज का रेसिपी है बैंगन का भरता, मतलब बैंगन का भाजा। तो हम लोग यहाँ भरता ही बोलते हैं लेकिन भाजा बोला जाता है। तो ये बनाने वाली हूँ आज। मैंने बैंगन कट कर लिया है। वैसे बच्चे लोग को बैंगन पसंद नहीं होता है, तो ऐसे बनाओगे तो बैंगन ज़रूर खाएंगे बच्चा लोग। तो आप लोग बना के देखो ऐसे। तो मैंने पूरा बड़े साइज का बैंगन ले लिया है, इसको अच्छे से कट कर लिया है गोल गोल करके। गोली काटना वैसे अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने गोल काट लिया है पूरा। इसको अब निकाल लूँगी एक तो प्लेट में। ये देखिए हो गया। अब इसको मैं डाल दूँगी पानी में। नमक डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी में। और सारे बैंगन को मैं नहला दूँगी अच्छे से। बैंगन को नहलाने के बाद नमक पानी में उसको निकाल लेना अच्छे से वॉश करके, एक एक करके निकाल ले रही हूँ। देखिए एक गिर गया था, बोल रहा है मैं नहीं बना खाऊंगा, किसी को नहीं खिलाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सब धुल लिया है बैंगन अच्छे से, वॉश कर लिया है। अब इसमें जाएगा नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ले रही हूँ नमक। यहाँ पे सारे बैंगन में नमक डाल के मिला लूँगी। नमक डाल के बाद यहाँ पर हल्दी पाउडर, उसके बाद डाला लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा तीखा स्पाइसी बनाना है हमको। तो स्पाइसी उतना भी नहीं होगा, बच्चे लोग खा सकते हैं। जो बच्चा बैगन नहीं खाता ऐसे बनाओगे तो पक्का वो खाएगा बैगन। तो ऐसे बनाओ आप इसको। मैंने उसके बाद मैंने डाल दिया है चावल का आटा ऊपर से। इसको अच्छे से घिस लूँगी पूरा अच्छे से, सब पूरा बैगन में लगा के। इसमें आप ये भी डाल सकते हो, अरहर डाल सकते हो, उसको ये बोलते हैं कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं, वो भी डाल सकते हो। तो ये मैं अच्छे से बैंगन में घिस घिस के लगा लूँगी। ये हो गया रेडी। ये देखिए रेडी हो गया पूरा। ऊपर से मैं और थोड़ा छिड़क दूँगी चावल का आटा, उससे कुरकुरा हो जाएगा अच्छे से। तो सारे बैगन के ऊपर मैंने कर लिया। ये देखिए मेरा हाथ ऊपर चिपक गया है, तो मैं इसको धुल लेती हूँ हाथ। यहाँ पर मैंने रख दिया नॉनस्टिक पैन, इसमें डाल लूँगी रिफाइन ऑयल। तेल भी कम ही लगता है इसमें। मैं एक एक करके डाल लूँगी, मैं चार पीस डालूँगी इसमें। तल के निकाल लूँगी। अब ये हो गया, इसको पलट दे रही हूँ। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन तक सेक लेना है। ये हो चुका है, अब इसे मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसी तरह मैं सारे बैगन को तल लूँगी एक ही बार। मैंने सब डाल कर लूँगी, तल लूँगी एक एक करके। मैं सारा फिर से डाल दूँगी इसमें। मैं सारा डाल दे रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था, बच्चा लोग खाने के लिए बैठा हुआ था इसलिए। तो मैंने सब सारे दे दिया एक ही बार। ये भी हो गया, ऐसे निकाल लूँगी। ये देखिए बन के तैयार है खाने के लिए। देखिए सब बच्चा बहुत अच्छे से खाएंगे, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से खाए हैं।